नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम सीखेंगे एक एडवांस तरीके से अटेंडेंस शीट को प्रिपेयर करना, जिसमें आप किसी भी कंपनी में काम करके प्रमोशन पा सकते हैं। तो देखिए क्या है इस शीट में एडवांस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए आपको एक डेमो दिखाते हैं। जैसे सपोज ये मेरी एक अटेंडेंस शीट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अटेंडेंस मंथ में कोई भी मंथ चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर फेब्रुवरी। जैसे आप फेब्रुवरी करते हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे ऑटो अटेंडेंस सीट का डेटा चेंज हो रहा है सिर्फ मेरे एक सेल को चेंज करने से। आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट हमारी 1 फरवरी हो गई है, यहाँ पर आप देखेंगे 28 फरवरी। नीचे आपको भी फरवरी दिखाई दे रहा होगा, डेट चेंज हो रही है। आप इस डेट को दे सकते हैं डे, यहाँ पर 4 को संडे पड़ रहा है। आप जैसे ही चेंज करते हैं, सपोज मैंने मार्च किया, ठीक है मार्च, या आप जनवरी, सपोज मैं जनवरी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से संडे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि जनवरी के मंथ में जो संडे है वो 7th को है, फर्स्ट संडे। और आप देखेंगे यहाँ पर भी जनवरी हो गया है, यहाँ एंड डेट जो है हमारी वो 31 जनवरी हो गई है। ऑटो आपका चेंज हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स इतना ही नहीं, इस शीट्स में और भी कई सारी चीज़ें एडवांस है। आप एक ही शीट पर कई मंथ्स का डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं और ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी मंथ का अगर आपको डेटा प्राप्त करना है, जैसे मैं दिसंबर यहाँ पर लिखता हूँ, तो दिसंबर, सपोज मुझे दिसंबर का डेटा चाहिए, तो आप देख सकते हैं दिसंबर के मंथ की यहाँ पे अटेंडेंस शीट पूरी आ गई है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इस शीट के अंदर सैलरी कैलकुलेशंस को भी कर सकते हैं ईजिली हर मंथ की। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सैलरी कैलकुलेशंस के लिए एक टैब बना रखी है, जहाँ पर आप सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। सपोज मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, अभी दिसंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ दिसंबर में जो सैलरी है वो 30,600 है। आप देखेंगे जो मोहन की सैलरी है वो 24,480 रुपये है, और यहाँ पे सुरेश की सैलरी 11,499 रुपये। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने कर दिया जनवरी। तो जैसे ही देखेंगे तो राम की सैलरी तो चेंज है, लेकिन आप देखेंगे सॉरी सेम है, लेकिन मोहन की सैलरी चेंज हो गई है। आप यहाँ से मंथ को चेंज करें, नेक्स्ट मंथ चेक करते हैं, अमरेली सॉरी नेक्स्ट मंथ को चेंज करते हैं फेब्रुअरी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सैलरी ऑटो चेंज हो रही है। आप यहाँ पर प्रेजेंट डेज को भी देख सकते हैं, यहाँ पे 21 डेज है प्रेजेंट। आप जैसे यहाँ पे मार्च करते हो तो आपको दिखेगा 27 डेज है प्रेजेंट है। तो आप किस तरीके से पूरी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो, अटेंडेंस को प्रिपेयर कर सकते हो, आप प्रेजेंट अब्सेंट्स डेज लीव सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आपको ये एडवांस तरीके की सैलरी सीखने के लिए थोड़ा सा बस आपको टाइम देना है, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप देख रहे हैं ओपन टारगेट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लूंगा, तो इस तरीके से ये नया पेज आ गया है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपको इजली। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे, जैसा कि आपने पिछली सीट में मैंने देखा था कि सबसे टॉप पर जो है वो मेरी कंपनी का नाम है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंपनी का नाम दूंगा MT एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड LTD लिमिटेड। ओके, इस तरीके से देने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर आप अटेंडेंस मंथ को लिखेंगे, जिस अटेंडेंस मंथ की आपको सैलरी प्रिपेयर करनी है। वैसे मुझे तो एक ही शीट पर ऑल मंथ्स की चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अटेंडेंस मंथ। आप इन दोनों को फॉर्मेट कर देंगे, सेल्स को, आपको सेल को फॉर्मेट करना है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क ब्लू कर दिया है। आप डार्क ब्लू पे टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। टेक्स्ट कलर को मैंने वाइट कर दिया है, टेक्स्ट को बोल्ड, सेल को थोड़ा सा सेल विड्थ को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेसिंग कम थी। अब मुझे एक ही सेल के अंदर ऑल मंथ्स का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको एक और शीट इंसर्ट करनी है, शीट टू। जैसे मैंने यहाँ पे एक और शीट इंसर्ट कर ली है, अब यहाँ पर आपको जनवरी से दिसंबर तक ऑल मंथ्स को टाइप करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जनवरी, आप जनवरी लिख करके इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल मंथ्स ऑटो फिल हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ से जनवरी से दिसंबर तक की लिस्ट बना ली है। अब आपको सीट वन पे अगेन जाना है, और यहाँ पर उस सेल में, जिस सेल में आपको ऑल मंथ का डेटा चाहिए, उसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके आपको डेटा टैब में जाना है।
डेटा टाइप में यहाँ पर आपको वैलिडेशन में आना है, और वैलिडेशन में यहाँ पर अलाउ की जगह पर अलाउ में यहाँ पे लिस्ट लेना है, और सोर्स में कर्सर रख करके आपको शीट टू पे जाना है। जैसे आप शीट टू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑल मंथ्स की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे ऑल मंथ्स की जो लिस्ट है हमारे सामने, इसे आपको सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। आप ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल मंथ्स की लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप किसी भी मंथ को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे कोई भी मंथ ले सकता हूँ। इसे आपको राइट अलाइनमेंट दे देना है। आप यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट करेंगे, और अभी मुझे सेल थोड़ा सा छोटा है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसे राइट अलाइनमेंट दे देते हैं। राइट अलाइनमेंट, ओके। तो मैंने इसे राइट अलाइनमेंट दे दिया है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं सेल को। और अब अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा मंथ को बोल्ड करना है, और आपको फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका डेटा अच्छा दिखे। इसके अलावा मैंने दोनों सेल्स को बॉर्डर दे दिया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और मर्ज मर्ज करने के बाद इसे लेफ्ट अलाइनमेंट और दोनों को बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे हाँ इन दोनों के बीच में एक एरो भी लगाना है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे ये। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा, इंसर्ट में शेप में, और यहाँ से आप राइट एरो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। ओके, आप इस तरीके से एरो बना सकते हैं। एरो का कलर मैंने यहाँ से रेड फिल कर दिया है। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मैं आउटलाइन में जा कर के नो फिल कर दूंगा। आपको इस तरीके से एक एरो दिखाई दे रहा है, आप इसे थोड़ा सा पीछे करके सेल के अंदर सेट कर लें। ओके, तो इस तरीके से आपका डेटा थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पर स्टार्ट डेट चाहिए, तो स्टार्ट डेट के लिए आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट। आपने इस तरीके से हेडिंग डाला। अब मुझे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ की यहाँ पर कॉपी करनी है, क्योंकि मुझे सेम डेटा बनाना है। तो मैं एक डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लूँगा फॉर्मेट पेंटर से। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ स्टार्टेड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है। ओके, तो अब मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ था, तो यहाँ पर लेफ्ट ही अलाइनमेंट आया है। मुझे इसे सेंटर कर लेना है, तो आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लें। ओके, सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट चाहिए। तो स्टार्ट डेट के लिए आप मैनुअली फिल नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखें, हम एक सेल को चेंज करना चाहते हैं जिससे सारी टेबल चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करना होगा, तो फॉर्मूला से ही आप डेट को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट लाने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट डेट से स्टार्ट करना है, तो आप वन लिखेंगे और एंड का साइन लगाएंगे, सॉरी एंड, और आप मंथ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। मीन्स ये है कि यहाँ पर आपने 1 सितंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सितंबर से हमारी डेट जो है वो स्टार्ट होगी। ओके, एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ डेट नहीं आई है, एक वैल्यू आ गई है जो कि डेट की ही वैल्यू है। आपको इसे डेट की फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए फ्रेंड बहुत इजी है। आपको जाना होगा यहाँ पे नंबर्स की टैब में। आप नंबर्स की टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से नंबर का डायलॉग बॉक्स, नंबर फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। यहाँ डेट पर आपको डेट की टैब पर क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी डेट चूज़ कर लेनी है। सपोज मैं ये डेट ले लेता हूँ, और ओके। तो इस तरीके से आपको डेट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे इसे इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया, और मर्ज सेल थोड़ा सा बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद मैंने इसे बॉर्डर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा बन गया है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पर मंथ्स को चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे जून ले रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ 1 जून हो रहा है, ऑटो चेंज हो रहा है। तो एक लॉजिकल फंक्शन आपके काम आएगा, क्योंकि ये एडवांस सैलरी, सॉरी एडवांस अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, अब मुझे ये एरो भी यहाँ पर लेकर आना है, तो मुझे दोबारा बनाने से अच्छा मैं इसे कॉपी कर लूँ, कंट्रोल डी करने के बाद आप जैसे ही करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसे आप सेल के अंदर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे स्टार्ट डेट के अलावा एक एंड डेट का भी कॉलम चाहिए। तो एंड डेट यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड डेट और एंड डेट। तो ओके, मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ कॉपी करनी है, तो आप अगेन स्टार्ट डेट पर कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर एंड
यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एंड डेट और यहाँ पे स्टार्ट डेट सेम फॉर्मेटिंग में आ गए हैं क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दिया। अब क्या करना है आपको, एंड डेट निकालना है तो एंड डेट के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल। आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान से देखना है और समझ करके याद कर लेना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इक्वल ईओ मंथ। ओके, ईओ मंथ मीन्स एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड ऑफ मंथ लेने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद आप स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट को लेने के बाद कॉमा, कॉमा यूज़ करने के बाद आपको ज़ीरो यहाँ पे प्रेस करना है और ज़ीरो लगाने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और एंटर। आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू जैसा दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर आया था आपके। तो मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मेटिंग जो इस सेल में है इसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पर कॉपी कर देना है। आप तो आप यहाँ कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा सेम फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं कि हो गया। तो इस तरीके से आप जैसे ही अटेंडेंस मंथ को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे स्टार्ट मंथ, स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और लर्न कर लीजिए इन फॉर्मूलाज को, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट मुझे अब एम्प्लॉयज़ की डिटेल फिल करनी है शीट के अंदर, तो आप एम्प्लॉयज़ की डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयज डिटेल, ओके एम्प्लॉयज डिटेल। यहाँ पर नीचे मैं एम्प्लॉय की डिटेल्स शेयर करूँगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे डेजिग्नेशन। ओके, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। हेडिंग को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके बोल्ड और मर्ज मर्ज कर लेंगे, सेंटर में आ जाएगा और इसे बोल्ड कर देंगे। अगेन यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ की आईडी लिखते हैं, जैसे मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007। ओके, इस तरीके से मैं कोई भी आईडी आप भी लिख सकते हैं, सपोज कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इस तरीके आपको केवल पढ़ाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। और यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ के कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे जय, ओम, करण, महेश, नीरज और लखन। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरी कंपनी में एमटीएच कर कंपनी में काम करते हैं। ये अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं। सपोज जो हमारे जय हैं ये मैनेजर हैं, ओम असिस्टेंट मैनेजर, करण क्लर्क, मैं एक और लिख देता हूँ पर्सनल असिस्टेंट क्लर्क, सपोज नीरज वॉचमैन है और लखन प्यून है। ओके, तो इस तरीके से आप डेजिनेशन को फिलअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेजिनेशन को फिल कर दिया है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की जो हेडिंग है, एम्प्लॉयज़ आईडी वगैरह की, मुझे इसे बैकग्राउंड कलर दे देना है। कोई भी आप बैकग्राउंड कलर जो आपको अच्छा लगता हो वो आप दे सकते हैं, सपोज मैंने ये दे दिया है, और इसे बॉर्डर कर देंगे। ओके, मैंने इस तरीके से बॉर्डर कर दिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर डेट को फिल करना है। तो डेट को यहाँ कैसे फिल करेंगे, आप मैन्युअली फर्स्ट से स्टार्ट होता है लेकिन आप मैन्युअली यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट जो हमारी स्टार्ट डेट है मैं इसी को यहाँ पर इनपुट करूँगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट डेट का फॉर्मेट आ गया है। स्टार्ट डेट यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर मंथ को चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर भी मेरा जो डेट होगा वो चेंज होगा। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा है, मुझे थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए इसका डेट का। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ वन प्रेस करेंगे तो आपके सामने नंबर सेल फॉर्मेट ओपन होगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट डेट फॉर्मेट लेना है और ओके करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट डेट आ गया। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट सेल में आपको एक फॉर्मूला देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल इफ शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्यों देते हैं, ताकि हमारी जो डेट है वो ऑटो एडजस्ट हो जाए। जो एंड डेट है वो, जो हमारा एंड डेट होता है वो कहीं किसी मंथ में 30 होता है, किसी मंथ में 31, किसी में 28, तो वो ऑटो एडजस्ट कर ले अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए मुझे फॉर्मूला देना है इफ स्टार्ट डेट
लेस देन एंड ऑफ डेट, अगर स्टार्टेड एंड डेट से कम हो तो एंड डेट को मुझे लॉक कर देना है, जिससे क्या हो कि जब भी मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूँ तो हमारा सेल चेंज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ L3 के आसपास जो डॉलर का साइन है, ये साइन है कि आपका जो सेल है वो फिक्स हो गया है, ठीक है। आपने इसको लॉक कर दिया, आपने कंडीशन दी कि अगर हमारा स्टार्ट डेट जो है वो एंड डेट से अगर कम हो तो आपको क्या करना है, जो हमारा स्टार्ट डेट है यानी जो हमारा फर्स्ट डेट है इसमें आपको एक डेट ऐड कर देना है, यानी 1 ऐड कर देना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको सेल को ब्लैंक छोड़ देना है। तो सेल को ब्लैंक करने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स दूंगा, डबल कोट्स का मीन्स होता है सेल को ब्लैंक करना है, ओके। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोड आ जाएगा आपको, जैसा कि दिखाई दे रहा था अगेन यहाँ भी आ गया है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेटिंग को यहाँ कॉपी कर देना है। तो कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 2 अगस्त हो गया है। आप यहाँ पर जैसे ही चेंज करेंगे आपको इसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब आपको इसे ड्रैग कर देना है राइट साइड में, मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। तो सॉरी 27 जनवरी तक है, आप मैंने थोड़ा सा और ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने आगे ड्रैग किया तो यहाँ पर 31 जनवरी के बाद से ब्लैंक सेल दे रहा है, ठीक है। आगे कोई डेट नहीं आ रही, इसी पर्पज़ से मैंने वहाँ पर ये इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर अब मुझे डे को इंसर्ट करना है। आप पहले तो मैं चेक करके आपको दिखा दूँ कि ऑटो चेंज हो रहा है, आप अप्रैल ले रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं कि आज चेंज हो रहा है, ठीक है। सितंबर नीचे भी चेंज हो रही है, डेट ऊपर भी चेंज हो रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इजिली। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इस तरीके से डेट को प्रिपेयर करते हैं, ओके। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर डे ले लेता हूँ। डे लेने के लिए आपको मैन्युअली डेट डे को फिल नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल TXT टेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बारे में जानते होंगे, देखेंगे इसका कैसे यूज़ यहाँ पे होगा। टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर आप डेट की सेल को नीचे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप 3 टाइम्स D प्रेस करेंगे, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ सैटरडे आ गया है। अब इसे भी मुझे ड्रैग कर देना है लास्ट तक, आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कि वो ऑटो चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे अब यहाँ मंडे हो गया, तो अब मुझे इसे लास्ट तक ड्रैग कर देना है, ओके। इस तरीके से आप नीचे लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देनी है, तो फॉर्मेटिंग के लिए मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना है और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देनी है। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दे दिया ग्रे और इसे ऑल बॉर्डर, ठीक है। आप इस तरीके से ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा डेटा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़े सा नीचे भी मैं आउटलाइन दे देता हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा डेटा, यहाँ तक, ओके, आउटलाइन। तो अब थोड़ा सा डेटा देखने में अच्छा लग रहा होगा आपको। आप यहाँ पे जैसे चेंज करते हैं तो ये आप देखेंगे कि मेरा मंथ चेंज हो रहा है। आप नीचे भी दे सकते हैं मे किया, तो यहाँ पे सब जगह पर मे आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे, सितंबर करते हैं तो सितंबर आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर संडे है उसे हाईलाइट कर दो। तो फ्रेंड संडे को हाईलाइट कैसे करेंगे वो फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है टोटली। मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया और टोटल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा, इसके अंदर कर्सर रखना है और आपको फॉर्मूला लगाना है। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको लिखना है यहाँ पर इक्वल, इक्वल लगा करके आप यहाँ से डे को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल जो होगी हमारी उसे सेलेक्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट लॉक मिलेगा आपको, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ रो को लॉक करना है और हमारा जो कॉलम है उसे लॉक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 1 टाइम F4 प्रेस करना है, तो आपको दिखेगा यहाँ डी के आगे से लॉक हट गया, जिससे हमारी सिर्फ कॉलम जो है वो अनलॉक है जबकि रो लॉक है।
आपको यहाँ पे लगाना है इक्वल, इक्वल लगाने के बाद आप डबल कोट्स में संडे लिखेंगे, ओके संडे, ठीक है। आप यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग देनी है, आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं इजिली। आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट का जो हमारा फॉन्ट हमारा बोल्ड होना चाहिए, फॉन्ट का जो कलर है वो मैंने कर दिया वाइट, आपको वाइट पे तो वाइट दिखेगा भी नहीं, तो मैंने यहाँ पे फिल कलर यहाँ पे रेड कर लिया, ठीक है। तो और ओके, तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा इंटरफेस हमें सेल पर दिखाई देगा और हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। तो जहाँ भी संडे है आप देख सकते हैं वो हाईलाइट हो गया है, आप लास्ट तक देख सकते हैं जहाँ भी संडे है वो हाईलाइट है, ओके। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही आप मंथ चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑटो संडे की पोजीशन भी चेंज हो रही है और हमारा कलर भी ऑटो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं अटेंडेंस का, एक एडवांस अटेंडेंस का फॉर्मेट आप बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो इस सीट पर आपको अटेंडेंस कैसे फिल करनी है, आपको सारे मंथ्स की अटेंडेंस शीट एक ही सीट पर कैसे लेकर आनी है, कैसे सारा डेटा एक ही शीट पर रिकॉर्ड करना है एक ही फॉर्मेट के अंदर, और आपको अपना सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी कैसे निकालना है, HRA DA DA कैसे, हैंड सैलरी आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सीखेंगे हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो कैसा लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके से लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।